Good morning, my friends. My name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. My topic will be available jobs in Singapore. Which kind of job available in Singapore? आज का मेरा ये पूरा टॉपिक है. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि किस तरह का जॉब सिंगापुर में बहुत सारा अवेलेबल है. उसके लिए थोड़ा सा मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है. अबाउट 5 मिलियन पॉपुलेशन है. 2.3 मिलियन फॉरेनर्स एंड 3.7 मिलियन सिंगापोरियंस. सो जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी सारा है. द बिग क्वेश्चन इज़ जॉब्स किस इंडस्ट्री में ज़्यादा है और कहाँ से आसान से मिल सकता है. सो सिंगापुर में जॉब्स मोस्टली थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है. पहला है कंस्ट्रक्शंस, दूसरा है प्रोडक्शन एंड सर्विसेज एंड तीसरा है IT. और भी इंडस्ट्री है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है कि स्कोप नहीं है जितना. लाइक एग्जांपल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चरस्ट, जिस ये बहुत छोटा कंट्री है. यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई जॉब नहीं है. ये एक अर्बन कंट्री है. सो इधर कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज एंड IT तीनों में बहुत सारा जॉब अवेलेबल है. सो मैं आपको वन बाई वन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि किस इंडस्ट्री में कैसा जॉब है. और उसके आगे आने वाले वीडियो में मैं हर इंडस्ट्री के बारे में, उसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैसे जॉब मिले उसको मैं बताऊंगा. बट आज मैं आपको समरी बताना चाहता हूं. तो पहला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. यार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 2 परमिट और 3 परमिट अवेलेबल है. हियर वर्क परमिट, स्किल एंड अनस्किल्ड, अनदर इज एस पास एंड अनदर इज एम्प्लॉयमेंट पास. सो वर्क परमिट में जो लाइक फ्रेशर्स और जो लो लेवल वर्कर्स हैं उनके लिए है. बहुत सारा जॉब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. हर साल आराम से 20,000 या 15,000 जॉब निकलता है इधर, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर. और कंस्ट्रक्शन हाई क्वालिटी का होता है तो प्रोजेक्ट भी 3 या 4 साल से कम नहीं होता है. तो बहुत अच्छा स्कोप है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर किसी को करना है तो. दूसरा है प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज इंडस्ट्री. प्रोडक्शन अभी कोई पूछेगा या प्रोडक्शन तो काफ़ी इंडस्ट्री में लगे. प्रोडक्शन मोस्टली जो है फूड रिलेटेड प्रोडक्शन में काफ़ी जॉब अवेलेबल है इधर. ओनली फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में काफ़ी जॉब अवेलेबल है. जॉब बहुत आराम से मिल जाता है. इसमें वर्क परमिट और एस पास मिल जाता है. और उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या डिग्री और क्या क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी. दूसरा है सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में आपका होटल्स, हॉस्पिटैलिटीज़ और सम एयरपोर्ट्स और सम अदर कम्युनिकेशन, उसमें आपको जॉब मिल जाता है. इसमें एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास पर बहुत जॉब मिल जाता है. तीसरा इज़ अ वेरी मोस्ट फेमस इंडस्ट्री इज़ द IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बिकॉज अर्बन कंट्री होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन तो इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है. क्योंकि इफ़ कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर और समथिंग रूरल तो आप IT में थोड़ा कम है. लेकिन इधर क्या फुल्ली अर्बनाइज्ड. सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जो US को फॉलो करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो करता है. तो IT इज़ द बिग हब. सो अगर IT में कोई ग्रेजुएट है तो वेरी वेल अपॉर्चुनिटी इन सिंगापुर, वेरी वार्म वेलकम इन सिंगापुर टू गेटिंग द जॉब. और इसमें आराम से आपको एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, IT में मोस्टली एम्प्लॉयमेंट पास बहुत आराम से मिल जाता है. लेकिन आपको IT की फील्ड में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है. सो मैंने आपको आज 3 कैटेगरीज बताई सिंगापुर में जॉब अवेलेबल के लिए. और आप उसमें सर्च कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में स्टैंड करता हूं. और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आने वाली वीडियोस में आपको और भी बताऊंगा कि किस इंडस्ट्री में कैसे जॉब मिल सकता है. और एक एक इंडस्ट्री को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा आने वाली 3 या 4 वीडियोज़ में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.